अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम। सभी मौजूद हैं कानकी के हाथी पांव, कानकी ग्राम पंचायत के हाथी पांव गांव में। और मैं बताऊं आपको कि कल शाम को 7 बजे स्वपन दास नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 20 साल, उनका नया नगर के पास जो सब्जी मंडी है वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और मौके पर ही बताया जा रहा है कि मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी है। कानकी फाड़ी पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थोड़ी देर में अब यहाँ पर डेड बॉडी पहुँचेगा। मैं आंगन का ही आपको हाल दिखा रहा हूँ कि बहुत एक मातम का माहौल है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर सोपन के दुकान में वो लड़का काम करता था कानकी में। एक भाई साहब से मैं जानता हूँ, 2-3 बातें। क्या नाम हुआ भाई साहब? त्रिदास। इसी गाँव के हैं आप? इसी गाँव के। अच्छा, वो लड़का कहाँ, कानकी सोपन डॉक्टर के इसमें काम करता था? जी। अच्छा, कैसा था लड़का? वो ठीक था। अच्छा, तो कल कहाँ, नया नगर के पास एक घटना हुई? हाँ, सब्जी मंडी के बगल में। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 7 बजे। 7 शाम को? शाम को। अच्छा, तो यहाँ खबर कितने बजे मिली थी गांव में? आधा घंटा के बाद ही मिल गया था। आधा घंटा के बाद? अच्छा, तो आधा घंटा के बाद जब खबर मिली तो क्या कानकी फाड़ी पुलिस ने उनको अपने कब्जे में लेके लाश को पोस्टमार्टम? हाँ, ऐसे ही तो सुना हूँ मैं तो। अच्छा, जगह पे नहीं था। हाँ, ऐसे सुना हूँ कि ऐसे हुआ था। तो इन लोगों के परिवार में, जैसे उनके पिताजी का नाम सुबल दास है, तो बताया जा रहा है कि वो उतने माली हालत से उतने मजबूत नहीं है। तो किस तरह का परिवार है, थोड़ा बताएंगे हमारे चैनल के जरिए से? कि मीडियम टाइप। अच्छा, उनके पिताजी मजदूर है, काम हम करते हैं। अच्छा, ये लड़का वहाँ काम कर रहा था। अच्छा, चलिए। तो ये बता रहे हैं भाई साहब कि कल 7 बजे की घटना है। एक भाई साहब और हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चित्तरंजन दास। इसी गांव के हैं? जी। अच्छा, कैसे ये घटना, कुछ पता है आपको कैसे हुई? थोड़ा थोड़ा पता है जी। शाम को 7 बजे के करीब वहाँ से फोन आया जो सोपन कुमार दास का एक्सीडेंट हो गया। और सुन के उसका मम्मी पापा पूरा एकदम, उसका बाद यहाँ से गया उसका मम्मी पापा, पापा गया और उसका मामा गया। वो दोनों जाके उसको पहले हॉस्पिटल ले गया, थाना का पुलिस आया था, हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से वहाँ से लेंस क्लब पहुँच गया। अच्छा, अब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी यहाँ पे आया। हाँ, आए। तो लड़का का उम्र 20 साल बताया जा रहा है जी। और वो लड़का व्यक्तिगत रूप से कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप लोगों के गांव का है, आप लोग तो उससे मिले जुले। बहुत अच्छा। परिवार उनका किस तरह का है? परिवार बहुत अच्छा, गरीब है। गरीब है। अब उनको कुछ मदद की ज़रूरत है। मदद की जरूरत जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको हाथी पांव से दिखा रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची, क्योंकि एक इनका जो अपना एक परिवार है, कोई ख़ास उस तरह का परिवार नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके वो अपना दिन चलाते हैं। 2 भाई 2 बहन था, वो लड़का सबसे बड़ा था। घर वो डॉक्टर सोपन, जो कानकी में मेडिकल स्टोर है वहाँ पे वो काम करता था, और वो लड़का ही काम काज करके घर को चलाता था। उसके पिताजी मजदूरी करके घर को चलाते हैं। तो आपका? मेरा नाम बिट्टू सरकार। बिट्टू सरकार, यही क्या है? नहीं, कानकी के। कानकी के जी। अच्छा, इस घटना के बारे में कुछ मालूम है आपको, कैसे हुआ ये? कल मालूम चला रात को, जो मतलब बाइक से जा रहा था, पीछे से आके एक गाड़ी वाला आके मतलब एक्सीडेंट ठोक दिया। अच्छा, कहाँ हुआ था ये? सब्जी मंडी के आसपास, मतलब सामने हुआ था, कानकी सब्जी मंडी जी। अच्छा, तो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी या फिर कुछ देर वो थे वहाँ पे? सुनने में आता है तो वहीं पर डेथ हो गया था। अच्छा। हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टर साहब बोले डेथ हो गया पेशेंट। अच्छा, तो जो गाड़ी उनको पीछे से धक्का दे के गई थी, उस गाड़ी का कुछ पता चला है? नहीं, उसका कोई पता नहीं चला। नहीं। अच्छा, लड़का क्या करता था? लड़का ये दवाई दुकान में काम करता था, कानकी में जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।